तो आज हम बथनाहा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के लोगों की राय जान रहे हैं कि लोगों का पसंद क्या है, क्या जो वो पिछले 15 साल की सरकार है वो उनसे संतुष्ट है, या वो सरकार को बदलना चाहती है, या जो इस बार जो इस विधानसभा में एनडीए से जो अनिल राम जी है और महागठबंधन से जो संजय राम जी हैं, उनको इन दोनों में से इनकी पसंद क्या है। तो आइए, मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो अभी मैं बथनाहा विधानसभा के सीतामढ़ी जिला के सयारा बाजार थाना चौक के पास में हूँ। तो यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ दुकानदार हैं, तो उनसे मैं उनकी मूलभूत समस्या और जो यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे उनके बारे में, जो कैंडिडेट उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो आइए, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। चचा नाम बताइए। नाम हमारा जोगिंदर पासवान। जोगिंदर पासवान, घर कहाँ हुआ? सयारा। सयारा, और विधानसभा रीगा बथनाहा पड़ता है? बथनाहा पड़ता जी। तो बताइए चचा, इस बार किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या आपको नीतीश कुमार? अभी नहीं बताएंगे, किसका जहिया होगा तहन बताएंगे, अपनी अपनी है। तो उनको आप किस आधार पर सोच रहे हैं कि अगर वो आपके विधायक बनेंगे तो आपके क्षेत्र में क्या काम करें? ऐसा तो नहीं कि आप पासवान है तो पासवान को ही वोट करेंगे? कुछ नहीं कोई देता है, कुछ नहीं कोई देता है। अच्छा, अपना मर्जी ले लेता है, अपना जिला पर भाग जाता है। यही यही दिन का नाम है, इतना वोट ले लिया, कुछ नहीं किया है पंचायत को, इस क्षेत्र के। चलिए, इनका पसंद है तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता। भैया नाम बताइएगा। उमेश ठाकुर सयारा। उमेश ठाकुर सयारा, तो आपका कौन पसंद है सर? एनडीए महागठबंधन? एनडीए महागठबंधन नहीं पसंद है, सुनिए पहले बात। हम लोग चंद्रक पासवान का इसलिए सपोर्ट करेंगे कि हमारा क्षेत्रीय विधायक है, हम कोई भी काम होगा तो उनके पास जाएंगे। और सहार घाट से खड़ा है फुल छाप, और वो अपना जीत करके चले जाएंगे तो उसको घर पर हम कहाँ जाएंगे खोजने। और जो ये कांग्रेस से जो है महागठबंधन के संजय राम जी, महागठबंधन से है तो कांग्रेस के तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा नाम विक्रम राम हुआ, मैं मेजरगंज पंचायत का वार्ड नंबर 8 का वार्ड सदस्य हूँ। मैं नीतीश जी का काम से मैं अवगत हूँ, लेकिन इन्होंने चाहे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किए हैं, जो पिछले बार एक दिन में जो पूरे हिंदुस्तान को जो बंद कर सकते हैं, एक दिन में हिंदुस्तान को नोटबंदी कर दिया इन्होंने, इन्होंने नोटबंदी किया, जितने भी गरीब मजदूर जो भी बैंक में गया उसकी हालात दयनीय थी। 2000 के लिए उनको 3-4 दिन नंबर लगना पड़ता था, बैंक में गया गुजर गए लोग, बहुत ऐसा हुआ धक्का मुक्की मर गया। इस बार जो कोविड-19 का आया तो मोदी जी हमारे नीतीश जी क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो, एक दिन में लॉकडाउन लग गया। आज 10 माह हो गया, 11 माह हो, कोई भाई बताए कोविड-19 जो मजदूर हमारे मकान में काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, कोई कहे हाथ से जो मजदूरी करते हैं, उनको कोविड-19 हो गया होगा। आज जो हमारा कोविड-19 का पॉजिटिव आया क्या बोलते हैं इनका अमिताभ बच्चन जी को, उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया तो ठीक हो गया। गरीब मजदूर हमारा किसान भाई जो भी गया, जो भी ऑफिस में गया, हॉस्पिटल में गया, तो अच्छे होकर गया, वहाँ पर क्या व्यवस्था थी? नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर लोग यहाँ से गया जिंदा, वहाँ से मौत होकर कैसे आया? वहाँ पर भोजन किसी को नहीं मिला, दवा क्या दिया जाता था? अल्बेंडा जोल उसको दिया जाकर इलाज किया जाता था। नीतीश जी से हम बात करते हैं, आज लॉकडाउन है, सुनिए ना, मैं चुनाव हो रहा है मेरा, लेकिन लॉकडाउन लॉकडाउन में चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोविड-19 जहाँ पर चल रहा था, आम सभा बुलाया गया, वहाँ लाखों की भीड़ लगी थी, वहाँ पर कोविड-19 से त्रस्त लोग नहीं था। आज हमारे दुर्गा पूजा, मुहर्रम, ईद पर्व और छठ पर्व में कोविड-19 हो जाएगा, इसके लिए पर्व बंद हो जाना चाहिए। कहिए मैं गलती बोलता हूँ, इसका सपोर्ट आप लोग कीजिए। आज आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। क्या हो रहा है यूपी में स्थिति? जो गरीब मजदूर बेटी की बहू, मेरी माँ बहन के साथ जो इज्जत खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका नीतीश जी चाहे जोगी जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? बिहार की बात करिए ना आप, हाथरस कहाँ यूपी चले गए, रह रहे बिहार के बाद हम बिहार की भी स्थिति कह रहे हैं, बिहार की बात कीजिए।
बिहार में कौन सा अवेलेबल लिया जा रहा है, जहाँ पर आज हमने केस कर दिया है मेजर थाने में, उसका अभी तक साल भर हो गया, रिपोर्ट नहीं गया, कोई किसी को मर्डर कर देगा और उसके लिए हम 10 बार थाने में जाएंगे, ब्लॉक में 1 बार जाते तो हमारा काम नहीं होता, क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों है? तो इस बार किसको देख रहे हैं? बंद हो चुका है साल भर से, आपने देखा है शिक्षा व्यवस्था हमारा नीतीश जी सरकार जब चौपट कर दी है, जब इस शिक्षा व्यवस्था हमारा चौपट हो गया, लोगों के बच्चों का ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या रोजगार करेगा आप लोग भाई बोलिए? तो इस बार क्या सोचे हैं? इसलिए सपोर्ट मैं करता हूँ अपनी बद्रनाथ विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि इनकी सीट नहीं आना चाहिए। तो किनको देख रहे हैं यहाँ विधानसभा? देंगे तो लालटेन को देंगे या कांग्रेस को देंगे? हाँ, संजय राम। चलिए, सरकार के तरफ से गांव गांव में मिल रहा है होम डिलीवरी, दारू मिल रहा है, अब तो दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, तो नीतीश जी शो के लिए दारू बंद किए, घर घर में दारू मिल रहा है, जहाँ खोजे वहाँ दारू मिल रहा है, जल नल योजना कर दिया, जल नल योजना से कितने घर में पानी जा रहा है, घर घर में एक कल दे दिए हुआ रहता तो बहुत कुछ मिलता, तो टोटी लग गया कि हाँ जल नल योजना हो गया, और दारू वाला में जो हुआ जो गरीब पकड़ाता है, गरीब पकड़ाता है, अमीर पकड़ाता नहीं है, तो दारू बंद है लेकिन घर घर में दारू मिल रहा है, जहाँ खोजे वहाँ दारू मिल रहा है, तो नीतीश जी बंद किए कब आ कैसे बंद किए बताइए? वो तो दावा तो कर रहे हैं कि हम ये कर दिए, बिहार में शराब बंदी है, लेकिन जहाँ भी जा रहे लोग ये बोलते कि सर बंद कहाँ, पहले से ज्यादा बिक रहा है, अभी मंगवा देंगे, अभी आपको हाथ में पहुंच, हम पीते नहीं है, मतलब तो बंद कहाँ से है बताइए ना, बंद है, हम पीते रहिए, आपको पीना मंगवा के पी लीजिए, ये ना दूसरे को बोलने दीजिए, आप एक बार ये बताइए कि इस बार आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, चिराग जी, तेजस्वी जी, या जो 15 साल से हमारे नीतीश जी, उनको क्या चाहते हैं? लालू यादव चाहिए या तेजस्वी यादव, यही सब चाहिए। हाँ, चलिए तो इनका देखिए लोगों का पसंद है, थोड़ा जगह दे दीजिए। हाँ, तो इस बार जो लोग चाहते हैं कि एक बदलाव की लहर है और बदलना चाहते हैं, तो एक चाचा उनसे मैं बात करता, नाम बताइएगा? चंदेश्वर सिंह। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं यहाँ से? नीतीश एक बूंद पानी पिया हम लोग? ठीक से बोलिए। हाँ, गाली नहीं दीजिएगा, वो नहीं चलेगा, तो सुनिए दारू बिक रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, हाँ ठीक है ठीक है, गाली वाला नहीं चलेगा आपका, थोड़ा सालान से नल जल, अरे नल जल में थोड़ा नल जल में क्या किया है? एक मिनट पूरा ये मुखिया, एक मिनट सुनिए ना, अब एक मिनट, फिर लोग वोट करेंगे बीएसपी के, करण के चाबी लगा मुँह में, इतना चीन दिया है, कौन दिया है? चीन सबसे बड़ा चीने है, चीने ना बीमारी दिया है, माँ दुर्गा से बड़ा है गोरमी, गांव में भूरी उड़ता है, सुनिए क्यों नहीं पसंद है ये सरकार? दरवाजी, गुंडबाजी, घोटाला, सारी के सारी नीतीश कुमार कर रहे हैं जी जी, इसके लिए हमको नहीं बना, आपके गांव में नहीं बना कुछ नहीं, जो पहले का तो विधायक तो कौन बीजेपी से थे, दिनकराम जी, नहीं कुछ नहीं किया, नहीं किए हैं, तो फिर भी इस बार बोलना फूले को वोट दे, इसलिए वो थोड़ा मिलाइयो के चला, नीतीश तो खुलेआम कर दिया। तो अब एक चीज आप बात समझिए कि इस बार जो आपका बात हम मान रहे हैं, एक मिनट आपका बात मान रहे, आप बोले हमको नीतीश पसंद नहीं है, हम फूल को वोट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि इस बार वो चुनाव किसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है? वो देखिए, वो किसी के साथ लड़े, बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है, अब बीजेपी को भी वोट दीजिएगा तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही बनेंगे? नहीं बनेंगे, कैसे? हम लोग बहुमत में जाने जा रहे हैं, पार्टी पार्टी पार्टियां हार जाएंगे तो बन कैसे जाएंगे? अच्छा, वोट नहीं देंगे, बीजेपी वहाँ देंगे। अच्छा, बीजेपी को मतलब इनको जेडीयू को नहीं करेंगे, बीजेपी को करेंगे, तो बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी ना, किसी पार्टी को बनाएंगे अभी है। हाँ 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 हाँ, ठीक। आप बताइएगा चाचा, आप किसको करेंगे? हम यहाँ के तो नहीं है, हमारा घर पड़ता है बथनाहा ब्लॉक में, पाकर पंचायत में, बथनाहा ब्लॉक में ना, तो बथनाहे के लिए हम पूछ रहे हैं, तो हम लोग तो बीजेपी को करेंगे, बीजेपी को करेंगे जी। धन्यवाद। आप चाचा? हम लोग है बीजेपी, बीजेपी। हाँ अच्छा, चलिए आपका से ना पूछ, बच्चे हैं और पूजा है, और जो करेगा एक, और हम उन लोगों से बच्चों से बात करते हैं कि बच्चे का क्या सोच है, उनके स्कूलों में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, या पढ़ाई का स्तर क्या है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे मैं उनसे बात करता हूँ। बेटा नाम बताओ? विपिन कुमार। क्या कर पढ़ते हो जी? कौन सा क्लास में? 11th में। स्कूल का नाम?
श्री लक्ष्मी कॉलेज। श्री लक्ष्मी कॉलेज सीतामढ़ी जी। तो अभी चल रही है क्लास? जी नहीं, क्लास चल रहा है नहीं। स्कूल खुलेगा तो नीतीश जी के वोट देवाएंगे, नहीं खुलेगा तो नहीं देवाएंगे। आप यहाँ पर एक भैया है, उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं गांव का माहौल है, थोड़ा सा लोगों का अपना मन में उबाल है और गुस्सा भी है, तो जिस तरीके से जाहिर करते सबका अपना अपना विचार है। तो एक भैया मैं उनसे बात करता हूँ, नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। हाँ राजीव जी, क्या करते हैं आप? हम अभी PDS डीलर है। आधार सहियारा हनुमान नगर। सहियारा हनुमान नगर। तो इस बार किसको पसंद कर रहे हैं, नीतीश जी या तेजस्वी जी? पार्टी सरकार की नीति ठीक नहीं है। यहाँ पे है कि युवा जो बेरोजगार सब है उसको देखिए, बिहार SSC के जो फॉर्म भराया 14 में, इसके बाद उसका PT लिया, उसका मेंस के लिए अभी तक लड़का इंतजार कर रहा है, फिर BPSC सब ले रहा है, उस सब का स्थिति ठीक नहीं है। बिहार सरकार की रणनीति बढ़िया नहीं है, इसलिए युवा सब उससे नाखुश है। तो चलिए ठीक है, आपके अपनी पसंद है। तो आप बताइए भैया, नाम बताइए। मोहम्मद सद्दाम। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? तेजस्वी चिराग सर, तेजस्वी जी के पसंद कर रहे हैं। वोट किसे करेंगे? तेजस्वी जी के। तो यहाँ से तो उनके महागठबंधन में संजय राम जी हैं। संजय राम जी है तो उन्हीं को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी से जो है ना, तो उन्हीं को मिलेगा हम लोग के तरफ से। क्यों करेंगे उनको वोट? उनको इसलिए करेंगे कि अभी नया युवक है, ठीक है, हो सकता है नया युवक में नया काम कर दे और नया अपना जोश दिखा दे, यही इसीलिए करेंगे उसको। अगर एक मिनट के लिए नया जोश अगर वो दिखा दे, अगर और सरकार से अगर अच्छी तरह उनकी बापू का पिछला सूची खराब गया है, हो सकता है उनकी बदलाव हो जाए इसमें और अच्छा दिखा दे, तो जनता का फायदा है ना। अगर एक मिनट के लिए उनके बाप के जैसे ही, लालू प्रसाद के जैसे ही हम इनको भी गलत मानते रहे तो सब तो गलत ही है, हम किसको सही माने, सब तो गलत ही है, हैं? तो हम इसलिए युवा नेता है, इस बार उसको एक बार जैसे कि एक बार उनको मौका दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन समस्या पर जहाँ भी जा रहे हैं नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रास्ते की बात हो, चाहे वो जलनल योजना की बात हो, और सबसे बड़ा जो बड़ी बात है कि बिहार के अंदर में जो नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बड़े बड़े मंचों से जो शराबबंदी की बातें करते हैं, हकीकत में बिहार के अंदर में शराबबंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पहले से ज़्यादा बिकता है। लोगों का कहना है कि सर बेड डिलीवरी, होम डिलीवरी, फ़ोन कीजिए रात को 12 बजे तो आपके घर पे मिल जाता है। तो ये किस तरह का शराबबंदी है और ये कैसा 7 निश्चय योजना है, ये तो खैर नीतीश जी जाने, और आने वाले चुनाव में शायद ये खामियाजा अभी वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा, और लोगों में ये बहुत नाराजगी भी है। चाहे वोट किसी को करे, बोले हम नीतीश को छोड़ के हम किसी को भी कर देंगे। तो इसी के साथ में ये कार्यक्रम में यही समाप्त करता हूँ। कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ मैं दीपक कुमार, सहियारा सीतामढ़ी बिहार। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।